नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गोयल आपको राजस्थान के एक ऐसे एक्ट, एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप राजस्थान में किसी भी तरह का कोई भी नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ऑलरेडी जो आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है उसका विस्तार करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो विदाउट कन्वर्जन, विदाउट बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, विदाउट किसी परमिशन के आप अपना काम इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। हाँ साथियों, मैं आपको राजस्थान के एमएसएमई एक्ट 2019 के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप राजस्थान में किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री या सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कि होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी तरह के चक्कर नहीं लगाने पड़े और आप अपना काम, अपना बिजनेस, अपना कंस्ट्रक्शन इमिडिएटली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना काम इमिडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ साथियों, 5 मार्च 2019 से राजस्थान में ये पॉलिसी लागू हो गई है। आप राजस्थान में किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो विदाउट कन्वर्जन, विदाउट बिल्डिंग प्लान अप्रूवल आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये एक्ट राजस्थान में जो अभी ऑलरेडी एक्ट है, राजस्थान टिनेंसी एक्ट, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, जेडीए एक्ट, पंचायत एक्ट, इन सब से ऊपर ये एक्ट लागू होता है। यानी इन सब एक्ट के अंदर जिन परमिशन की आवश्यकता होती है उन परमिशन के बिना आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। साथियों याद रखिएगा, 3 साल तक आपके यहाँ पर इन एक्ट के अंदर जिन भी परमिशंस की जरूरत होती है उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी इंस्पेक्शन, किसी भी तरह का कोई सर्वे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। साथियों, जब ये एक्ट लागू हुआ था उस समय एमएसएमई की डेफिनेशन अलग से थी। यदि आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यदि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हैं तो प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब 50 करोड़ रुपए तक प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करने वाली सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सभी तरह की इंडस्ट्रीज इस एक्ट में कवर है। यानी आपका यदि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है तो भी आप इस स्कीम के अंदर फुलफिल कर सकते हैं। यानी आप राजस्थान में कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 साल का टाइम दिया गया है, 3 साल के अंदर आपको वो परमिशन लेनी है। साथियों, ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, लेकिन आपको एक स्पेशल ध्यान रखना है, आप अपना उद्योग, अपनी इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर ही लगाइए जहाँ पर वो लैंड कन्वर्ट हो सकते हैं, जहाँ आपको सारी चीज़ परमिशन मिल सकती है। यदि आपने इस जगह पर इंडस्ट्री लगा दी जहाँ प्रोविटेड एरिया है या कोर एरिया है जहाँ पर परमिशन मिल ही नहीं सकती, तो फिर ये एक्ट आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय भी ध्यान रखना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय राजस्थान में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लागू हो गया है। आपको प्रॉपर सेटफेक छोड़ के जितनी हाइट परमिसेबल है उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना है। साथियों, ये एक्ट ऐसा है इसमें आप बहुत प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्लानिंग है कि अभी कोविड की वजह से आपके पास फंड की कमी है, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट कन्वर्जन, विदाउट बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, क्योंकि कन्वर्जन कराने आप जाएंगे तो उसमें काफ़ी अमाउंट भी आपको जमा कराना पड़ेगा। तो आपके पास टाइम है, 3 साल के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कराइए और अपना चार्जेस जमा कराइए, उससे पहले आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इसी तरह के बहुत सारी स्कीम हैं जो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको एक नई स्कीम के बारे में बताऊंगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।